हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रेडमी नोट 7 प्रो के। तो वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अब इसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं हम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका मेन कैमरा ही इसकी हाईलाइट है, जो 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का एयर ड्यूल रियर कैमरा है। प्लस इसके साथ स्नैपड्रैगन का 675 प्रोसेसर और फुल HD प्लस नोट डिस्प्ले और 4000 mAh की हाई कैपेसिटी बैटरी आती है। और ये जो वेरिएंट है वो 6GB 128GB वाला है। और इस ये वेरिएंट है वो स्पेस ब्लैक कलर का है। तो चलिए अब हम इस मोबाइल की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि MI का बैक कवर रखा हुआ है और इसके अंदर कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन और इसकी गाइड्स है। और बाद में अगर हम देखें तो रखा हुआ है रेडमी का 7 प्रो। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जो मैंने बताई थी वही मेन हाईलाइट है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा और फुल व्यू डिस्प्ले के साथ ही, जैसे आप देख सकते हैं। और जब तक ये स्विच ऑन होता है तब तक हम इसकी बाकी की बॉक्स और कंटेंट देख लेते हैं। तो जैसे कि आप अंदर देख सकते हैं कि इसका है जो फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है, इसका चार्जर है और ये जो 5 वोल्ट और 2 एम्पीयर के साथ टाइप सी केबल के साथ आता है, जिसकी वजह से इसे फास्ट चार्जिंग के हेल्प होती है। आप देख सकते हैं इसमें ये नॉर्मल चार्जर नहीं है, ये टाइप सी सपोर्ट करता है। तो फोन भी स्विच ऑन हो गया है। तो अब हम फोन की पूरी सेटिंग करके देखते हैं। तो फोन पूरा सेटअप हो चुका है, तब तक हम इसकी बाकी की चीज़ें देख सकते हैं। जैसे आप नीचे देख सकते हैं, एक साइड है, बीच में जो है वो है टाइप सी पोर्ट और साइड में माइक और स्पीकर है। और एक तरफ है वॉल्यूम ब्रोकर बटन और पावर लॉक अनलॉक बटन। और पीछे आप देख सकते हैं मेन हाईलाइट इसकी 48 मेगापिक्सल का प्लस 5 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा और फिंगरप्रिंट सेंसर। ऊपर आप देख सकते हैं एयर ब्लास्टर जो हमें TV सेटअप में यूज करते हैं। और उसी की साइड में है ऑडियो जैक। और अब फोन बूट होने ही वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फोन स्विच ऑन हो गया है। और अब हम इसकी स्पेकिंग देखते हैं तो ये जो मोबाइल है वो एंड्रॉइड के 5 पे वर्क करता है और ये 6GB वाला वेरिएंट है। और उसी के साथ अगर हम इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की टेस्ट करें तो भी, तो हम इसकी फिंगरप्रिंट सेटअप करके देखें फिंगरप्रिंट सेटअप हो गया है। अब अभी अनलॉक करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये कितना फास्ट वर्क करता है। तो अब हम इस फोन की कैमरा की क्वालिटी चेक कर लेते हैं। तो अब हम पहले इसमें नॉर्मल फोटो क्लिक करेंगे और बाद में हम इसमें 48 मेगापिक्सल वाले मोड से फोटो क्लिक करते हैं। तो देखते हैं इस दोनों की डिफरेंस क्या है। तो आप देख सकते हैं ये जो नॉर्मल फोटो है जिसमें पिक्सल पूरी तरफ से ख़राब हो जाते हैं, और जो 48 मेगापिक्सल मोड है उसमें पिक्सल ख़राब नहीं होते। और मैं आपको कुछ सैंपल दिखाता हूँ जो 48 मेगापिक्सल वाला मोड से खींचे हुए फ़ोटोज़ हैं। तो मुझे तो ये फ़ोन बहुत पसंद आया। अगर आप लोगों को भी ये पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करना ना भूलें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें।